नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 32, हाउ टू डिलीट डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन एएसपी डॉट नेट एमवीसी। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था वो देख लेते हैं। पार्ट 29, पार्ट 30 और 31। पार्ट 31 में हमने टोटल काउंट और प्राइस कैसे डिस्प्ले करना है डेटा टेबल में वो देखा था, और उसके पहले के जो पार्ट में डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टू टेबल यूजिंग जेक्वेरी ये देखा था। ठीक है, तो ये आपको पहले के पार्ट आपको जरूर से देखने हैं अगर नहीं देखे तो। चलिए चलते हैं आज डिलीट कैसे किया जाए डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो लास्ट टाइम जो हम यहाँ पे थे, ठीक है, ये मेरा डेटा टेबल था, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और टोटल प्राइस हमने डिस्प्ले किया था, और एडिट और डिलीट का बटन हमने रख दिया है। ठीक है, और ये एडिट और डिलीट का बटन जो है ये डिफॉल्ट कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू के ऊपर इस तरह से रखा है। तो जावास्क्रिप्ट का अगर बटन बनाना है तो आपको ए टैग का यूज करना पड़ेगा, जिसमें एचआरईएफ में कंटेंट में आपको जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड जीरो लिखना है, और क्लास में आपको इस तरह से आप जो चाहे क्लास ऐड कर सकते हैं। मैंने बीटीएन प्राइमरी लिया है तो वाइट ब्लू कलर का बटन बनेगा। ठीक है, और ट्रैश लिया है तो जाली वाला आइकॉन आएगा, और ये जो डेंजर है तो रेड कलर का बटन बन जाएगा। ठीक है, और ये ऑन क्लिक इक्वल टू एड एडिट और डिलीट, ये जो लिखा है ये जो है ये मेथड के नाम है। ठीक है, जिसे मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल में बनाया है, आज हमें सिर्फ डिलीट करना है। ठीक है, तो ये डिलीट जो है ऑन क्लिक इक्वल टू डिलीट, डिलीट जो है मेथड बनाई है मैंने, और डिलीट में मैंने आईडी पास किया है। ओके, ये एड्रेट आइटम डॉट आईडी होना चाहिए, लेकिन आइटम डॉट आइटम्स डॉट आईडी क्यों है, क्योंकि हमने ये जो व्यू मॉडल बनाया है उसमें टेबल का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम आइटम्स है। ओके, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये व्यू मॉडल है। ठीक है, आइटम्स टेबल आइटम्स है, आइटम्स का तो इसका आइटम्स के अंदर आईडी है इसलिए। ओके, तो चलिए एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना देते हैं। जावास्क्रिप्ट फाइल मैं बनाऊंगा, मेरा है डिफॉल्ट कंट्रोलर। ओके, सो राइट क्लिक यहाँ पे एड एड जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, नाम दे देता हूँ, जो कंट्रोलर का नाम है वही दे देता हूँ, तो डिफॉल्ट डॉट जेएस। तो डिफॉल्ट डॉट जेएस मेरा कंट्रोलर का नाम बन गया। अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और डिफॉल्ट यूआरएल नाम दे देता हूँ। राइट, वेरिएबल क्रिएट करना जरूरी है। अब मैं फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, जो फंक्शन मैंने बटन पे लिखा है तो उस फंक्शन का यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। डिलीट नाम का मैंने फंक्शन लिखा है, तो डिलीट फंक्शन डिलीट, इसके अंदर जो मैंने वहाँ पे आईडी पास किया है तो ये आईडी। ओके, और इसके अंदर मैं अभी कोड लिखूंगा, सो डॉलर डॉट एजेक्स। ओके, इनसाइड ऑफ दैट curly brackets, and now you will write here the code. Okay, so type, first you will write type. आपको type कैसा है भाई, post करना है, id post करना है और delete करना है। Okay, उस id का सारा record, so type then data type. अब data type में आपको कैसे return करना है data type, ओके, तो जेसन में रिटर्न करना है। हम कंट्रोल साइड इसको रिटर्न जो है जेसन टाइप में करेंगे, इसलिए यहाँ जेसन लिखा है। और कैच करना है कि नहीं, जो भी डिलीट किया, नहीं करना है, फॉल्स। सो यहाँ पे आप फॉल्स, राइट, एंड देन यू आर ए कहाँ पे, तो भाई मैं एक डिलीट नाम का मेथड बनाऊंगा मेरे डिफॉल्ट कंट्रोलर में। ओके, सो डिफॉल्ट कंट्रोलर का नाम और डिलीट जो है मेथड का नाम, कंट्रोलर में मैं डिलीट मेथड बनाऊंगा, तो इसलिए मैंने ये पाथ दे दिया कि यहाँ जाना और रिकॉर्ड को आईडी फेच करके इसको डिलीट मार देना। डेटा, डेटा में क्या लेना है भाई, सिर्फ आईडी लेना है और आईडी को डिलीट मारना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये दोनों आईडी में कंट्रोल साइड का है और यहाँ का है, यहाँ से जो पैरामीटर में पास हुआ है। ठीक है, अब सक्सेस में क्या लिखेंगे, फंक्शन। ओके, तो ये कोड थोड़ा लंबा है, टाइम लग सकता है, रिस्पॉन्स
टेक्स्ट स्टेटस JQX HR कोड काफी लंबा है, तो वीडियो का साइज लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा कॉपी पेस्ट मार के, चलिए वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट रिजल्ट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट, जो वहां से रिस्पॉन्स आएगा कंट्रोलर की साइड से। यहाँ पे एक भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, सो रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है मुझे कंट्रोलर साइड की ओर से मिलेगा। ओके चलिए इसको हो गया, और दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट मैसेज के लिए, सो ओबीजे मैसेज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, वहां से जो, यानी कि कंट्रोलर के साइड से जो भी मिलेगा यही स्पेलिंग होना चाहिए मैसेज का कंट्रोलर साइड में। ओके, इफ ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट रिजल्ट, अभी जो हमने वेरिएबल बनाया है रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट का, अगर रिजल्ट आपका जो है इक्वल टू ये नाम का है, ओके नाम का, ठीक है, कंट्रोल साइड से अगर ओके मिलता है तो आपको क्या करना है, उसे विंडो डॉट लोकेशन के ऊपर भेज देना है, यानी कि लोकेशन पे जो भी हम पाथ देंगे उस वहां वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट का जो इंडेक्स व्यू है वो हमें डिस्प्ले करना है, इंडेक्स राइट, और क्या है, ये कोड मेरा यहाँ खत्म हो गया, एल्स में क्या करेंगे, अलर्ट ऑब्जेक्ट मैसेज जो है हमने अभी क्रिएट किया है वो डिस्प्ले करेंगे, ऑब्जेक्ट मैसेज ये वाला, कंट्रोल सेट से हम रिस्पॉन्स देंगे कि ये अगर गलत है, नहीं हो रहा है एरर, तो एरर इसमें ऑब्जेक्ट मैसेज में पास हो जाएगी। ठीक है, अब रह गया एरर, तो ये जो एरर है इसके लिए भी एक फंक्शन है JQXHR टेक्स्ट पूरा फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक मारेंगे डेटा टेबल के डिलीट बटन पे, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से आगे उसका कंट्रोलर में पास होगा, तो यहाँ मैं डिबगर पॉइंट रख देता हूँ। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और डिफॉल्ट कंट्रोलर में जाते हैं, और ये डिलीट हमने यहाँ पे जो डिलीट ये डिफॉल्ट कंट्रोलर में इंडेक्स साइड लिखा है, और यहाँ पे मेथड हमने डिलीट में पास करना, तो यहाँ मैं एक मेथड बनाऊंगा। ओके, तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट, ओके, और इसमें मैं आईडी पास करूंगा, तो इंटीजर आईडी, ओके, जो मेथड में से आएगा जावास्क्रिप्ट के, और यहाँ पे मैं एचटीटीपी पोस्ट दे देता हूँ ताकि उस आईडी को ये सिलेक्ट, उसको ये आईडी मिलता है तो उसे वो डिलीट कर सके। ओके, यहाँ मुझे कोड लिखना है, कोड लिखा है, ये TBL आइटम नाम के टेबल में से एक आइटम नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसमें से मैं आईडी फेच करूंगा, जो भी आईडी यहाँ पे आएगा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का कोड में से उस आईडी का रिकॉर्ड में यहाँ से फेच करूंगा। ओके, एंड देन ट्राई और कैच में इसको रिमूव करवा दूंगा, तो अगर अगर आइटम, ये जो आइटम है नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो इसे मुझे रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि भाई डीबी डॉट टीबीएल आइटम्स डॉट रिमूव, क्या, तो भाई आइटम,
ये डीबी मुझे कहाँ से आया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गए लास्ट प्रोग्राम में मैंने दिखा दिया था कि डीबी जो है एंटिटी मॉडल जो हमने बनाया है उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, ये रहा। ओके यहाँ से आया, तो मैंने आइटम नाम का ऑब्जेक्ट का मतलब आईडी जो है डिलीट मार दिया और उसके सेव चेंजेस कर दिया। ओके ये हो गया। और रिटर्न में मैं जेसन रिकॉर्ड रिटर्न करवाऊंगा, तो रिटर्न जेसन न्यू, यहाँ लिखना है थोड़ा में मैं क्या लिखूंगा ये मैसेज में पास कर देता हूँ, तो अगर एरर है तो रिटर्न जेसन न्यू रिजल्ट इक्वल टू एरर, जो हमने अभी जावास्क्रिप्ट फाइल में यही लिखा था ना एरर। डेटा इक्वल टू दिस एंड मैसेज में हम देखे ex डॉट मैसेज, सो इसको डिलीट मार देता हूँ ex डॉट मैसेज। ये मैसेज का स्पेलिंग जो है m कैपिटल है, ठीक है, और हमने यहाँ लिखा है ex डॉट मैसेज। जो भी ये देखेंगे, चलिए एक्स डॉट मैसेज जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलोगेट। ओके अगर मिलता है तो डिलीट मार देगा और नहीं मिलता है ठीक है तो एरर डिस्प्ले कर देगा, राइट। चलिए देखते हैं, डिफॉल्ट डॉट जेएस में हमने डिबगर रख दिया है और इसे रन करके देख लेते हैं। इंडेक्स हो गया है प्रोजेक्ट, और डिलीट पे मैं जब क्लिक मारता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा तो देखते हैं, मेरा डिफॉल्ट का इंडेक्स व्यू है। ओके गो टू व्यू एंड यहाँ पे डिलीट के लिए मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है डिलीट मेथड लिखा है और ये डिफॉल्ट में पास हो रहा है। मैंने अभी डिबग नहीं किया था तो डिबग कर लिया है, और ये सीधा यहाँ पे हमने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है आइटम डॉट जे एस पे जा रहा है, लेकिन हमने जो डिफॉल्ट डॉट जे एस बनाया है ठीक है तो यहाँ पे जाना चाहिए, इसकी जगह ये आइटम डॉट जे एस पे जा रहा है। तो इसको देखते हैं, जो डिफॉल्ट डॉट जे एस ये जो बनाया है जावास्क्रिप्ट का फाइल ये यहाँ पे ऐड करना होगा। ओके तब उसको ये मिलेगा। ओके और एक इसको अभी जरूरत नहीं, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट का फाइल मैंने ऐड कर दिया है अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ स्लैश नहीं मार रहा ठीक है, और देखते हैं अभी। रन हो चुका है और ये जो मॉनिटर वाला जो लाइन है मुझे डिलीट करना है, तो मैं डिलीट पे क्लिक किया, यहाँ से जावास्क्रिप्ट मेथड पे आया और यहाँ से ये जाएगा कंट्रोलर साइड डिलीट मेथड पे। ओके यहाँ से आईडी मिला 15 नंबर का और आइटम नल नहीं है तो अंदर गया, और ये जो आइटम है आइटम में उसको मिला और डिलीट मार दिया, ठीक है डिलीट मार दिया और रिकॉर्ड्स डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज डिलीट हो गया। ओके आइटम इंडेक्स, ओके रिकॉर्ड जो डिलीट हो गया मॉनिटर वाला, ठीक है जैसे एक पेन ड्राइव मुझे डिलीट करनी है ठीक है, तो मैंने डिलीट का कोड और यहाँ से मैं कंटिन्यूस पे मारता हूँ, पेन ड्राइव डिलीट हो गया राइट, ये पेन ड्राइव का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो इस तरह से आपको कोडिंग करना है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाना है और कंट्रोलर साइड आपको कोड लिखना है। ओके तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।